हमीरपुर के हमीर भवन में दिशा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद अनुराग ठाकुर ने भाग लिया। बैठक में जिला भर में विकासात्मक कार्यों पर समीक्षा की गई और निर्धारित समय पर टारगेट को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सांसद अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के चुनावों में आए नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पीएम मोदी और अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल दिखाया है। उन्होंने कहा कि अब 2019 में भी देश में फिर से पीएम मोदी कुर्सी पर आसीन होंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम पूरे देश भर में किया है, अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी ने पूरे देश भर में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन दलों की सरकारें बनाई है। एक ऐसा अवसर है जहां देश आगे बढ़ रहा है, राज्यों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। निश्चित तौर पर 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार होगी, ये आज ही तय हो गया है। वहीं दिशा की बैठक पर बोलते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिशा की समीक्षा बैठक में विभाग अधिकारियों को समय सीमा में रहते हुए सरकारी योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र से आने वाले करोड़ों रुपए को जनता तक पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, अधिकतर विभागों के अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया, विभाग टारगेट अचीव कर रहे हैं। अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, उन पर खरा उतरना होता है और इसीलिए समीक्षा बैठक की जाती है कि टारगेट्स को अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। जहां विभाग को कहीं परेशानी आती वहां पर हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर एक टीम के रूप में अधिकारी और हम सब लोग काम करते हैं ताकि आम जनता की सेवा की जा सके, योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जा सके। और जिम्मेदारी केवल अधिकारियों पर नहीं, हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना होगा कि जो हजारों करोड़ रुपया केंद्र से आता है उसको खर्च करके आम जनता तक सुविधा को पहुंचाया जा सके। जहां आवश्यकता पड़े वहां पर अधिकारियों से पूछा भी जाता है और उनको दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं।